फैसला कुन लॉन्ग मार्च का इंदिया दे दिया। राणा सनाउल्ला कहते हैं नाहिल टोले को हटाकर कौम को निजात दिलाएंगे, वक्त आएगा तो इस्तीफे भी देंगे। मनुष्यत केस में पेशी के बाद राणा सनाउल्ला बोले कि पीपल्स पार्टी ने इस्तीफों का मामला आखिरी ऑप्शन करार दिया। पीडीएम की तहरीक हुकूमत पर दबाव बढ़ाएगी, हुकूमती इंतकाम दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, अदलिया को इंतकाम और ज्यादती को रोकना चाहिए। मानसहरा में पुलिस का मुफ्ती कफायतुल्लाह के घर पर रात गए छापा। मुफ्ती कफायतुल्लाह घर पर ना मिले तो पुलिस ने मुफ्ती कफायतुल्लाह के भाई, दो बेटों और बहनों इकारी अब्दुल माजिद को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने गिरफ्तारी की तस्दीक करते हुए बताया कि जेर हिरासत अफराद के खिलाफ मुकदमे के इंदराज के लिए मुशावरत जारी। पाक फौज के खिलाफ जो बोले का 72 घंटे में मुकदमा दर्ज होगा। इमरान खान करप्ट अफराद के आगे सरेंडर नहीं करेगा। वजीर दाखिला शेख रशीद रावलपिंडी नाथरा ऑफिस के दौरे पर बोले कि पीपल्स पार्टी जीत गई, पीडीएम हार गई, नवाज शरीफ के पासपोर्ट की मुद्दत नहीं बढ़ाई जाएगी, रोजाना 1 लाख शनाख्ती कार्ड जारी करने का ऐलान। कराची में सीनियर सहाफी और 24 न्यूज के साबिक डायरेक्टर प्रोग्रामिंग अंसार नकवी शहीद की बेटी की शादी की तकरीब, सूबाई वजरा सईद गनी, नासिर हुसैन शाह, सियासी रहनुमा और सहाफी शरीक हुए। कन्वीनियर एमक्यूएम पाकिस्तान खालिद मकबूल सदीकी, सदर पीएसपी अनीस कायम खानी, एमक्यूएम राबता कमेटी के रुकन फैसल सब्जवारी की अहलिया की भी शिरकत।